नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शातिर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गए यूपी पुलिस पर कानपुर के बिकरू गांव में हमला हुआ और इस हमले में सीओ इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस टीम बिना तैयारी के गई थी और उसे अंदाजा ही नहीं था कि विकास और उसके साथी असलहों के साथ अंदर हैं और यही चूक भारी पड़ गई। पुलिस पर बदमाश हावी थे। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। कैसे बाहर 2017 में एसटीएफ ने ही गिरफ्तार किया था, उसके बाद से बेल पे बाहर हो गए। कोई हिस्ट्री शीट होता है, जो लोग हिस्ट्री शीट पर भी रहते हैं उनकी भी लगातार पुलिस का सलाह, सही पुलिस को गोली मारी गई, पुलिस अधिकारियों को जो भी मारे गए, ये चीजें तो अब जब पोस्टमार्टम होगा तभी बात पता चलेगी कि किस तरह के बोर्ड से चोटें आई हैं और कैसे हमारे जवान शहीद। लेकिन सर, जिस तरह से तैयारी थी, जेसीबी लगा के रखी थी घर के बाहर, तो उनको पहले जानकारी थी कि यहाँ पर आने वाली है और वो पहले से छतों पे जांच के विषय है, जांच के बाद ही कही जाए। उनके साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए, 7 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 5 पुलिस के लोग हैं, 1 होमगार्ड है और 1 सिविल व्यक्ति है। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और एक जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा और वो जहां कहीं भी होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उनको ढूंढ के निकालेगी और उसको कानून के सामने पेश करेगी। अभी तक क्या कोई इनकाउंटर हो रहा है पुलिस का, कोई मारा गया कोई? टीमें हमारे इसमें चल रही है और हम लोग विभिन्न टीमों का आपने देखा होगा कि यहाँ के लोकल अधिकारी सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। डीजीपी महोदय ने जो हमारी एसटीएफ और अन्य विशेषज्ञ टीमें हैं उनको भी इसमें लगा रखा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ से सीधे घटनास्थल पर पहुंचे प्रशांत कुमार ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। अब एसटीएफ के साथ कई टीमें लगी हुई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बकायदा ट्वीट कर कहा कि पुलिस कर्मियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। देखिए उनका ये ट्वीट। जनपद कानपुर में कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले 8 पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद पुलिस कर्मियों ने जिस अपरिमित साहस व अद्भुत कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया, उत्तर प्रदेश उसे कभी भूलेगा नहीं। उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गौरतलब है कि गुरुवार की देर रात कानपुर में कुख्यात बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए।